नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने बीते साल 15 अगस्त को संन्यास का ऐलान कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दरअसल एमएस धोनी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर थे और उसके बाद कोविड का माहौल आया, जिसके बाद क्रिकेट जो है काफी दिनों तक स्थगित कर दी गई। उसके बाद एमएस धोनी की वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। अचानक उन्होंने 15 अगस्त को अपने चित परिचित अंदाज में हर किसी को हैरान करते हुए शाम 7:30 बजे संन्यास का ऐलान कर दिया और बड़ा खूबसूरत गाना उन्होंने शेयर किया, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। बड़ी बात यह है कि एमएस धोनी का करियर जो रहा है, एक फिनिशर के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर, एक विकेटकीपर के तौर पर, 16 साल उन्होंने पूरे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को डोमिनेट किया। भारतीय क्रिकेट की झोली में वो सब कुछ डाला बतौर कप्तान एमएस धोनी ने, जो शायद बहुत कम कप्तान कर पाए। इकलौते ऐसे कप्तान हैं एमएस धोनी जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंट्स जिताए, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हो, 2011 वनडे विश्व कप हो या फिर 2007 का वर्ल्ड T20। बड़ी बात यह है कि ऐसे खिलाड़ी ने जब संन्यास का ऐलान किया तो वहां पर कई लोगों ने यह बात कही, फैंस ने एमएस धोनी की वापसी की मांग की, कई फैंस ने यह कहा कि बीसीसीआई को एमएस धोनी को एक फेयरवेल मैच देना चाहिए था, क्योंकि कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इस बात को कहा था कि धोनी डिजर्व्स अ बेटर फेयरवेल और इस तरीके से उनका जाना जो है वो सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने भी यह बात कही थी कि धोनी को रांची के मैदान पर एक फेयरवेल मैच जरूर दिया जाना चाहिए। फिलहाल अगर हम देखें तो यहां पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर गौर करना बड़ा जरूरी है। अब यह देखा जाएगा कि यहां पर एमएस धोनी को फेयरवेल मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि ये खबरें हैं कि बीसीसीआई की मीटिंग हो रही है लगातार, हालांकि फिलहाल दादा बीमार हैं तो ये मीटिंग जो है वो स्थगित हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि एमएस धोनी को एक फेयरवेल मैच या फिर एक फेयरवेल सीरीज T20 फॉर्मेट में दी जा सकती है। हालांकि हमने आईपीएल में देखा कि धोनी की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं थी, बीसीसीआई एमएस धोनी को फेयरवेल मैच देना चाहता था एक अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के माध्यम से, लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से भी उन्हें फेयरवेल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि धोनी एमएस धोनी लय में थे ही नहीं। और कई दिग्गज खिलाड़ियों का भी कहना था कि जब आप कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं, सालों से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आपके लिए उस लय को हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिलहाल बीसीसीआई इस मामले को पूरे तरीके से संज्ञान में ले चुकी है, एमएस धोनी के फेयरवेल मैच की तैयारी भी बीसीसीआई कर रहा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या बड़ा फैसला आता है, लेकिन आएगा बहुत जल्द ये बड़ा फैसला। कहा यह भी जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में एमएस धोनी को लाया जा सकता है। अब क्या लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, इस खास अपडेट में इतना ही, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।